हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लल्लन टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग की ये ब्लैक वाली इन ईयर एयरफोन कैसे रिपेयर करनी है और इनमें जनरली क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आप अपने फ़ोन में प्लग करके चेक करेंगे हिला के कि क्या यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, यहाँ से कुछ डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो आप फिर इसके अबव में चेक करेंगे। तो इस वाले में क्या हो रही है, सबसे पहले प्रॉब्लम इसमें वन साइड का नहीं बज रहा है, इसमें एक साइड का नहीं बज रहा है। जो बज नहीं रहा है वो है लेफ़्ट साइड का, और राइट साइड में ये माइक वाला सेक्शन है। तो हमें चेक करना है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक कंटिन्यूटी टेस्टर होना चाहिए। ये मेरा सेल्फ मेड कंटिन्यूटी टेस्टर है। अगर आप चाहते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये मार्केट में 20-30 रुपीज़ का इजीली मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें आपके 4 पोर्ट्स होते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ सीरियल से। फर्स्ट होता है माइक का पॉजिटिव, सेकंड होता है ग्राउंड, थर्ड होता है राइट का पॉजिटिव, और फोर्थ होता है लेफ्ट का पॉजिटिव। तो ये 4 सीक्वेंस में होता है। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी टेस्टर को ग्राउंड पर रखना है। जो मैंने आपको बोला था सेकेंड नंबर वाला ग्राउंड होता है, हमने ग्राउंड पे रखा। फिर हमने माइक के प्लस पे टच किया तो देखिए इसमें लाइट आ रही है, हल्की सी लाइट आ रही है। आप इसमें डायरेक्ट माइक में क्या होता है कि आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो लाइट तेज़ हो जाएगी। तो देखिए लाइट तेज़ आ रही है, मतलब माइक ओके है इसका। राइट वाला भी ओके है, लेफ्ट वाले में कोई डेटा नहीं आ रहा, मतलब लेफ्ट वाला ख़राब है। अब आप तो मैंने कहा कि आप ये हिला के चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लग नहीं रहा है कि आपको यहाँ से फॉल्ट होगा, तो आप इसकी वायरिंग चेक कर लीजिए कि ये कहीं से कटी वगैरह तो नहीं है। आपको अगर कट दिखता है कहीं पे तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट वाली में यहाँ पर एक कट है, तो फॉल्ट यहाँ से भी हो सकता है। बट उसको कंफर्म करने के लिए आपको ये पहले लेफ्ट वाला जो एरिया है आपको इसमें अब ऐसा हो सकता है कि वहाँ से आपको लग रहा है देखने से, बट ज़रूरी नहीं है वहीं से हो। क्या पता यहाँ से हो सकता है फॉल्ट, इसके नेक से, इसके अंदर से स्पीकर भी ख़राब हो सकता है। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको ये वाला पार्ट इसका खोलना होगा। उसको खोलने के लिए आपको कोई एक शार्प टूल चाहिए होगा। आप कटर का यूज़ कर सकते हैं, ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका कोई बॉडी पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बॉडी पार्ट होगा और वो स्लिप हो गया तो आपको कट लग सकता है आपके। तो इसलिए इस चीज़ को आप टूल को बहुत सेफली यूज़ करिए, और इसको हल्का हल्का सा आप चारों तरफ से हल्का हल्का सा इसकी जो एज है उसमें अपना टूल से इसमें गैप बनाइए। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, स्लोली कीजिएगा, थोड़ा सा प्रेशर का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको चोट लग सकती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अगर आपका कटर से नहीं खुल रहा है तो आप ऐसे प्लास से प्रेशर मार के भी कर सकते हैं, देखिए। लेकिन ज़्यादा मत मारिएगा, इसका शेप ना ख़राब हो जाए। और पीछे वाले केस में करिएगा कि इन केस आपका अगर इससे ना निकल रहा हो तो आप ऐसे भी खोल सकते हैं इसको। सो अब हम इसे निकाल लेते हैं, इसकी सोल्डरिंग निकाल लेते हैं। ये मैंने अलग कर लिया है। नाउ हम चेक कर लेते हैं स्पीकर ओके है कि नहीं है। स्पीकर ओके है कि नहीं चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी टेस्टर का और मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी पे सेट करके देखिए इसका स्पीकर ओके है, और यहाँ से भी वायरिंग ठीक लग रही है मुझे। अगर आपको डाउट होता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो वहाँ पर कट हुआ है पार्ट वही है आपका फॉल्टी। देखिए मैं इसमें ऐसे भी पता कर सकता हूँ क्योंकि ये ब्लैक वायर और ग्रीन वायर है, इसमें यहाँ से ब्लैक वायर निकली भी है, तो मुझे यहाँ से रिपेयर करने की ज़रूरत है। सो पहले हम यहाँ से रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम इस पार्ट को पहले कट कर लेंगे। देखिए मैंने इसे अलग कर लिए हैं, ये एक के अंदर एक थी जी।
जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से कर लिया। आप लाइटर का यूज़ करके आप इसे बर्न करके भी कर सकते हैं। नाउ मैंने इनकी टिप्स बना ली हैं, अब हम चेक करेंगे कि अब हमें देखिए यहाँ से ये वाला जो पार्ट है तो इससे ये पता चल जाएगा हमें कि अगर जैक में भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक वायर हम ग्राउंड पे लगाएंगे और हम इसकी ब्लैक वाली वायर पर लगाएंगे, तो ये वायर ठीक है। फिर हम इसके लेफ्ट वाले पोर्ट पर लगाएंगे और इसकी सेकेंड वायर पर लगाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पूरा ओके है, आपके जैक से प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्ट यहीं से था। एक बार हम इसे भी कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेंगे कि यहाँ से ऊपर भी कोई कट की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कोई और भी कट हो जो हमें पता ना चले। तो उसके लिए हम अबव वाले पार्ट को भी ऐसे ही चेक करेंगे। देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है कोई सिग्नल, इसका मतलब इस वायर में और भी कहीं फॉल्ट है। और ये मुझे वायर जगह जगह से लग रही है कि ये हाँ डैमेज हो सकती है। तो आप क्या करिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आप इस वायर को ही चेंज कर दीजिए अगर आपको और फर्दर प्रॉब्लम नहीं मिल रही है। तो इस वायर में प्रॉब्लम है तो मैं इस वायर की जगह दूसरी वायर लगा रहा हूँ, जो मेरे पास सेम कोई स्पेयर पुराने ईयरफोन पड़े थे उसमें से वायर निकाल के। सो मैंने ये दूसरी वायर ले ली है, अप्रॉक्स मैंने इसी की लेंथ ही ली है ताकि मेरे को प्रॉपरली हो। सो क्या करूँगा, मैं इसको इससे निकाल लूँगा, इसको भी हम पहले अलग कर लेंगे। आयरन की मदद से आप इसे इजीली ऐसे छील सकते हैं, क्योंकि आयरन से आपको सबसे इजी पड़ेगा। देखिए मैंने इसे कर लिया, अब मैं इसकी वायर्स अलग अलग कर लेता हूँ, इनकी टिप्स बना लेता हूँ। ये मैंने टिप्स बना ली, अब मैं ये भी चेक कर लूँगा ये वायर भी कहीं फॉल्टी तो नहीं है। सो उसके लिए मैं ये क्या करूँगा, दोनों वायर्स आपकी ओके हैं, इसका मतलब ये वायर ठीक है, तो आप इसे लगा सकते हैं। सो आप इसको क्या करिए, इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। एक नॉट लगा दीजिए, और स्पीकर को सोल्डर कर दीजिए। अब आपको इसको इसमें फिक्स करना है। देखिए अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं मिलती है, यहाँ से नीचे फॉल्ट मिलता है और आपको ये पता चलता है कि यहाँ से इस पे नहीं आ रहा है, तो या फिर आपका ये यहाँ पर अगर जुड़ा रहता और आप यहाँ से चेक करते और यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा होता और वायर कहीं से कट नहीं होती या खिंची हुई नहीं पता चलती, तो इसका मतलब जैक से प्रॉब्लम है। और जैक कैसे रिपेयर करना है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो मेरी दूसरी वीडियो में है। तो इससे पहले मैं ट्यूब ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ट्यूब है ये मेरे पास जो स्ट्रिंग ट्यूब है ये 3 mm की है। आप इससे कम की या इसके बराबर की लीजिए अगर इन वायरस को जोड़ना है। तो आप टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनको इनके टिप्स को लाइटर से बंद करके सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको तरीके बता रहा हूँ ये सब वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस है। ये आपके लॉन्ग लाइफ प्लस आपको इजी टू यूज़ सब कुछ होगा जो आपको बेनिफिट ही करेगा ये। हम चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ से सही है।
हम नीचे से चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। देखिए लेफ्ट वाला वर्क कर रहा है, मैंने एक टर्मिनल ग्राउंड पे एक लेफ्ट पे लगाया, वर्क कर रहा है। अगर आपको इस पे कान पे लगाएंगे तो, और टेस्टर से चेक करेंगे तो आपको स्पीकर में आवाज़ सुनाई देगी। सो अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपस में शॉर्ट ना हो, अगर ये शॉर्ट हो जाएंगी तो आपको सिग्नल देंगी बट आपका आपको साउंड नहीं आएगी। थोड़ी सी ग्लू लगा रहा हूँ उस पर। तो ये वाला आपका पार्ट हो गया, मैंने ग्लू लगाया है इसलिए अभी खिंचेगा भी नहीं, खिंच के टूटेगा नहीं ना। अब हम इसे चेक कर लेते हैं फिर से कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हमारी पैकिंग के दौरान। देखिए ये ओके वर्क कर रहा है, दूसरा भी ओके वर्क कर रहा है और आपका माइक भी ओके वर्क कर रहा है। ऑल वर्किंग परफेक्टली। नाउ अब हम इसकी साउंड चेक कर लेते हैं और चेक करने से पहले, चेक करने के बाद आप इस पर, आपको इसकी जो आपने खोला था इस पर आपको थोड़ी सी फेविक्विक लगाने की ज़रूरत है। उसके लिए आप फेविक्विक कभी भी डायरेक्ट ना डालें इसमें, आप इसको हल्का सा कहीं पर थोड़ा सा टिप ले लें इसकी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा और आपका पूरा ईयरफोन ख़राब हो सकता है। तो सर कभी भी आप सुपर ग्लू डायरेक्ट ना लगाएं। तो मैंने थोड़ी सी लगाई, ज़्यादा नहीं लगाई, कभी फ्यूचर में आपको खोलना पड़े तो आप खोल नहीं पाओगे अगर आपने ज़्यादा लगा दिया तो, और जितना मैंने लगाया उतना सफिशियंट है। तो मैं आपको इसकी साउंड चेक करा दूंगा। सो मैं आपको इसको चेक कराता हूँ। ये मैंने फ़ोन में प्लग किया, देखिए कनेक्ट हो गया। प्रॉपर वर्क कर रहा है, मैं आपको इसकी साउंड चेक करा देता हूँ और आपको इसका दिखा देता हूँ कि बटन वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए प्ले पॉज हो रहा है, इट्स वर्किंग परफेक्टली। अगर आपको इसमें, इसके बाद भी अगर आपका एयरफोन सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अपने व्यूज शेयर कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। और आपको कोई और क्वेरी करनी हो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इसका जैक कैसे रिपेयर करना है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।